हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी खुशबू। माय चैनल नेम इज़ फैशनेबल गर्ल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसमें मैं आप लोगों को थ्रेडिंग बनवा के दिखाऊंगी कि मैं अपनी थ्रेडिंग किस तरह से बनवा रही हूँ। सो गाइस, मेरी जो आईब्रो है बहुत ही ज़्यादा भरी भरी है, बहुत ही ज़्यादा थिक आईब्रो है मेरी। तो इस वीडियो में मैं आईब्रो बनवा के दिखाऊंगी, थ्रेडिंग बनवाऊंगी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रेडिंग बनवाऊंगी अपनी। तो वीडियो में आगे आप लोगों को थ्रेडिंग का पता चलेगा कि मैंने अपनी थ्रेडिंग किस तरह से बनवाई। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर दे प्रेस, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस, विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पे मेरी थ्रेडिंग, यू कैन सी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थ्रेडिंग बनाई है इन्होंने मेरी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से थ्रेडिंग की है मेरी। और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थ्रेडिंग अपनी, बिकॉज मेरी जो आईब्रो है वो बहुत ज़्यादा भरी भरी है और काफ़ी ज़्यादा थिक आईब्रोज है मेरी। तो मेरे को थ्रेडिंग करवानी थी, बिकॉज काफ़ी सारे बर्थडे चल रहे हैं इस टाइम पे फ्रेंड्स लोगों के, तो मेरे को थ्रेडिंग करवानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए थ्रेडिंग करवाना। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी थ्रेडिंग की है गाइस। पूरे इस एरिया में मेरे हेयर्स थे, जो फोरहेड का बीच का एरिया है, तो यहाँ पे भी पूरे में हेयर्स थे, देन यहाँ पे पूरे में हेयर्स थे, काफ़ी ज़्यादा हेयर्स हैं मेरे आईब्रोज़ में। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आईब्रोज़ किस तरह की लग रही है, कैसी लग रही है, यू कैन सी। तो मुझे अपनी आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को अपनी आईब्रोज़। तो गाइज़, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी आईब्रोज़ कैसी लगी। ये जो मैंने आईब्रो अपनी बनवाई है, ये मैंने अपने ही घर के पास के पार्लर से ही बनवाई है, मैं कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी आईब्रोज़ बनवाने। तो ये मेरा सेकेंड टाइम है जो मैंने आईब्रो बनवाई है। फर्स्ट टाइम मैंने आईब्रो जब बनवाई थी, तब तक मैंने ये वीडियोस बनानी स्टार्टिंग नहीं की थी, तब तक मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल नहीं बनाया था। वो सेकंड टाइम मैंने थ्रेडिंग करवाई है अपनी, तो सेकंड टाइम जो मैंने थ्रेडिंग करवाई मैंने उसकी वीडियो बनाई है, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से थ्रेडिंग बनवाई है। तो गाइस, ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस है जो मैंने थ्रेडिंग बनवाई है। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था मेरा, बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा डेंजर था,
तो सेकंड एक्सपीरियंस में भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि गाइस आईब्रोज बनवाने में थोड़ा सा पेन होता है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा पेन होता है आईब्रोज बनवाने में। तो जो लोग बनवाते रहते हैं उन्हें आदत पड़ जाती है तो उनको पेन नहीं होता, बट जो लोग बहुत कम बनवाते हैं उनको आदत नहीं होती, उसे पेन होता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब बनवाई थी तो शायद अप्रॉक्स नवंबर का टाइम था, तो मैंने नवंबर में फ़र्स्ट टाइम आईब्रोज बनवाई थी अपनी, थ्रेडिंग करवाई थी, और अब मैंने सेकेंड टाइम थ्रेडिंग करवाई है जून में। ये अभी भी मैं थोड़ी नर्वस हो रही थी कि मेरे फिर से पेन होगा, फिर से दर्द होगा। तो गाइस मेरे ज़्यादा पेन नहीं हुआ, थोड़ा पेन हुआ, बट हुआ पेन, थोड़ा तो होता ही है। जो लोग फर्स्ट टाइम अपना थ्रेडिंग करवाएंगे, जो फर्स्ट टाइम आईब्रोज बनवाएंगे, तो उनको भी थोड़ा पेन तो होगा ही, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने जब बनवाई थी तो मुझे थोड़ा नहीं, उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, क्योंकि ये चीज़ हमारी पूरी खिंचती है और बहुत ज़्यादा हमारे अगर हेयर्स होते हैं तो हमारे सारे हेयर्स रिमूव होते हैं तो पेन होता ही है। तो मेरे फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और काफ़ी ज़्यादा मेरे पेन हो रहा था, पूरा ये जो मेरा पोर्शन था पूरा रेड हो गया था। अब सेकंड टाइम में गाइस मेरे पेन हुआ, बट ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा पेन हुआ मेरे, और ये जो मेरा पोर्शन है आईब्रोज़ का पूरा रेड हो गया था, सेकेंड टाइम में भी रेड हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर कर देना लाइक, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ऐसी मैं आप लोग के लिए नई नई वीडियोस लाती रहूँगी, एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स नेबर सबके साथ वीडियो शेयर कीजिए। सो एंड आई सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।